लद्दाख को जैसे लैंड ऑफ हाई पासिस कहते हैं, वैसे ही मॉनेस्ट्री के लिए भी बहुत फेमस है लद्दाख। तो चलिए आज लद्दाख के वन ऑफ द लार्जेस्ट मॉनेस्ट्रीज में चलते हैं। अब जा रही हूँ मॉनेस्ट्री, आप लोगों को दिखाती हूँ मॉनेस्ट्री कैसी है। बहुत फेमस मॉनेस्ट्री है, मैं एक बार ही गई हूँ और सिर्फ आप लोगों को दिखाने के लिए दोबारा से जा रही हूँ। लेट्स गो। तिक्से मॉनेस्ट्री लेह से अराउंड 19 किलोमीटर्स पे लोकेटेड है। तो सुबह आर्मी रेजिमेंटल सेंटर में ब्रेकफास्ट करने के बाद आई एम मूविंग टूवर्ड्स द तिक्से मॉनेस्ट्री। Just look at these beautiful trees and colors. Feels like a movie. This is the entrance जहां से ऊपर की तरफ चढ़ने के बाद we will reach the Tikse Monastery. Tikse Monastery is located at an altitude of 11,800 feet, which has its origin in 15th century and is one of the largest gompa in central Ladakh. यहाँ बहुत सारे तिब्बतन बुद्धिस्ट आर्ट्स जैसे स्टैचूज, स्वॉर्ड्स, वॉल पेंटिंग्स एक्सेट्रा देखने के लिए मिल जाएंगे। तो मैं आ गई हूँ मॉनेस्ट्री पे एंड इट्स अ ब्यूटीफुल मॉनेस्ट्री विद अ ब्यूटीफुल व्यू। बहुत तेज हवाएं चल रही हैं। ये मॉनेस्ट्री का मेन एंट्रेंस है, चलिए अंदर चलते हैं। एक ब्यूटीफुली डिजाइन गेट से अंदर घुसते ही सबसे पहले लेफ्ट साइड में मॉनेस्ट्री का रेस्टोरेंट आएगा। आप यहाँ ब्रेकफास्ट कर सकते हैं या मॉनेस्ट्री घूमकर वापस आकर भी यू कैन ईट हियर। तिक्से मॉनेस्ट्री तिब्बत के ल्हासा में लोकेटेड पोटाला पैलेस से रिजेंबल करता है, इसलिए इसको मिनी पोटाला भी कहते हैं। दिस मॉनेस्ट्री इज 12 स्टोरीज इन हाइट, जिसके हाईएस्ट लेवल पे एक स्तूपा है। ये मॉनेस्ट्री हिल स्लोप पर लोकेटेड है और बिल्डिंग असेंडिंग ऑर्डर ऑफ इम्पोर्टेंस में अरेंज्ड है। सेवरल टेम्पल्स, स्तूपास, मंक्स एंड नंस के रहने की जगह, प्रेयर वॉल्स, अ प्रेयर हॉल एंड एक लाइब्रेरी भी है जहाँ रिलीजियस स्क्रिप्चर्स एंड टेक्स्ट हैं। यहाँ एक बड़ा सा कोर्टयार्ड है जहाँ बहुत सारे बुद्धिस्ट रिचुअल्स, फेस्टिव डांस एंड फायर रिलेटेड सेरेमनीज होते हैं। सामने वाले येलो बिल्डिंग में असेंबली हॉल है और रेड बिल्डिंग में श्राइन्स हैं। यहाँ आप दौड़ना, भागना या कोई भी फिजिकल एक्टिविटीज मत करिएगा, बिकॉज यहाँ का ऑक्सीजन कंटेंट बहुत कम है एंड ब्रेथलेसनेस बहुत जल्दी हो सकती है। दिस इज द प्रेयर हॉल। इस हॉल में चारों तरफ पेंटिंग्स बनी हुई हैं एंड दीज आर द सीट्स ऑन विच द लामास कैन सिट एंड प्रे। यहाँ भगवान बुद्ध की ढेर सारी मूर्तियाँ हैं एंड सेंटर में His Holiness the Dalai Lama के बैठने के लिए सिटिंग अरेंजमेंट है। यहाँ अध्ययन करने के लिए बहुत सारी हैंड रिटन बुक्स भी हैं। इट्स अ वेरी पीसफुल एंड मेडिटेटिव प्लेस।
टेम्पल ऑफ प्रोटेक्टर्स। यहाँ मेन स्टैचूज या मंतक वज्र भैरव, महाकाल और धर्मराज की हैं, जिनमें से मैक्सिमम ढकी हुई रहती हैं। तिब्बतन कैलेंडर के हिसाब से जब गुस्तुर फेस्टिवल आता है तो सिर्फ उसी समय आइडल्स के फेसेस को रिवील किया जाता है। दिस इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट स्ट्रक्चर्स इन दिस कॉम्प्लेक्स एंड प्रोबेबली द ओनली स्पेस जहाँ की पेंटिंग्स एंड एवरीथिंग इज फ्रॉम द टाइम व्हेन दिस मॉनेस्ट्री वॉज बीइंग मेड। थिक्से मॉनेस्ट्री इज लोकेटेड ऑन द राइट साइड ऑफ इंडस रिवर। यहाँ से ईस्ट में मठों का गोम्पा, साउथ में स्टोक रॉयल पैलेस एंड वेस्ट में शे पैलेस क्लियरली विजिबल होता है। तारा टेम्पल। ये टेम्पल गॉडेस तारा को डेडिकेटेड है। इन वुडन शेल्स में गॉडेस तारा की 21 मूर्तियां हैं। अगर आप लद्दाख विजिट कर रहे हैं तो आई विल सजेस्ट कि आप यहाँ मॉर्निंग में आइए और मॉर्निंग प्रेयर अटेंड कीजिए। सुबह सुबह बुद्धिस्ट सूत्रास के चैंट्स इज अ डिफरेंट एक्सपीरियंस ऑल टुगेदर। थिक्से मॉनेस्ट्री का मेन आकर्षण है मैत्रेय बुद्धा, जिन्हें फ्यूचर बुद्धा भी कहते हैं। दिस स्टैचू कवर्स टू स्टोरीज ऑफ द बिल्डिंग एंड इज अराउंड 50 feet टॉल। It was made to commemorate the visit of the 14th Dalai Lama to the monastery. इस स्टैचू को मोस्टली कॉपर एंड क्ले से बनाया गया है जो कि गोल्ड प्लेटेड है। इस स्टैचू को बनाने में अराउंड 4 years लगे हैं। कहा जाता है कि जब गौतम बुद्ध की टीचिंग्स इस पृथ्वी से पूरे तरीके से खत्म हो जाएंगी तब यहाँ मैत्रेय बुद्धा आएंगे टू प्रीच अ न्यू धर्म। यहाँ हर एक फ्लोर से सिनेमैटिक नज़ारा दिखता है। जस्ट लुक एट दी स्नो केप माउंटेन्स एंड दीज कलरफुल ट्रीज, व्हाट अ व्यू। द बेस्ट टाइम टू विजिट दिस मॉनेस्ट्री इज ड्यूरिंग द एनुअल विंटर थिक्से गुस्तुर फेस्टिवल, जिसमें आप ट्रेडिशनल मास डांस, छम डांस एंड लद्दाख के ट्रेडिशन को एंजॉय कर पाएंगे। सो नेक्स्ट टाइम व्हेन यू आर विजिटिंग लद्दाख, डू कम टू द थिक्से मॉनेस्ट्री। थैंक यू।